हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन कंपटीशन पॉइंट। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार नज़र डालते हैं दोस्तों। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, डीपेस्ट ओशियन, सबसे गहरा महासागर, लार्जेस्ट सी, इसी तरह के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अपने आप में क्वेश्चन बहुत, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यूनिक है, बार बार पूछा गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऑनलाइन कंपटीशन पॉइंट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय रहते मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, मैंने वीडियो बनाई है, बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनाई है, लास्ट तक देखें। वीडियो में ही सारे क्वेश्चन को याद करने की मैं गारंटी देता हूँ। ये सभी क्वेश्चन बायलिंगुअल रहेंगे दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताऊँगा। बेहतर है आप इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करें, इंग्लिश पर फोकस करने से आपको इंग्लिश वाले एग्जाम में भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, पहला क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। इसके एरिया की बात करें तो 44.55 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। दोस्तों, पहले की बात तो हर कोई करता है, अब बात करते हैं दूसरे की। तो एशिया के बाद दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा आता है? दूसरा बड़ा महाद्वीप आता है अफ्रीका। तो दूसरा एशिया के बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, दुनिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो 7.69 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। 7.69 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ आप उसको साथ साथ लिखते जाएं, बेहतर होगा, और वीडियो को पॉज करके बार बार देखें जब तक आपको याद नहीं हो जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशियन, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों पैसिफिक, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। दोस्तों, प्रशांत महासागर के बाद की बात करें तो प्रशांत महासागर के बाद सेकंड नंबर पर कौन सा महासागर आएगा? तो प्रशांत महासागर से छोटा महासागर आएगा अटलांटिक। अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर के बाद का है। अगर सेकंड पूछता है तो सेकंड के लिए यह हमारा जवाब होगा। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि चौथा क्वेश्चन होगा हमारा। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट ओशियन, दुनिया का सबसे छोटा महासागर। तो सबसे छोटे की बात करें आर्कटिक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है और 12.25 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में ये सिर्फ फैला हुआ है, सिर्फ 12.25। और पैसिफिक ओशियन की बात करें, पैसिफिक ओशियन 181.34 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, सबसे बड़ा है, और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। आर्कटिक ओशियन। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। वर्ल्ड्स डीपेस्ट ओशियन, दुनिया का सबसे गहरा महासागर। तो दुनिया का सबसे गहरा महासागर भी दोस्तों प्रशांत महासागर ही है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा प्रशांत महासागर ही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, दोस्तों बात आती है लार्जेस्ट सी। यहाँ पर सबसे बड़े सागर की बात हो रही है, ऊपर सबसे बड़े महासागर और सबसे छोटे महासागर, सबसे गहरे महासागर की बात हुई थी। सबसे बड़ा सागर, तो सबसे बड़ा सागर अरेबियन सागर, यानी अरब सागर को हम सबसे बड़ा सागर बोलते हैं। इसके साइज की बात करें 3.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम में, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों ग्रीनलैंड। दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे बताना कमेंट करके और इसे लाइक करना। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आठ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसलैंड ग्रुप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह दोस्तों इंडोनेशिया। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, इसको भी नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है हमें। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर नाइन दोस्तों, नौवे क्वेश्चन की बात करें। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बे, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी। अगर एरिया के हिसाब से बात करते हैं दोस्तों तो बे ऑफ बंगाल, यानी जो कि इंडिया में है, बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ी है इंडिया में है, एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें। लेकिन अगर हम शोरलाइन यानी तटरेखा की बात करें तो आती है बे ऑफ हडसन, जो कि कनाडा में है। बे ऑफ हडसन दोस्तों लिख लीजिएगा, बे ऑफ हडसन। क्वेश्चन नंबर चार, ऑप्शन नंबर चार पे मैं इसको मेंशन कर रहा हूं, बे ऑफ हडसन। दोस्तों, बे ऑफ हडसन आप इसे लिख सकते हैं, बे ऑफ हडसन। जी हाँ, बे ऑफ हडसन ये कनाडा में है दोस्तों।
शोर लिंग, तटरेखा के हिसाब से सबसे बड़ी हडसन, और एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। बहुत से लोग इसका आंसर जानते हैं दोस्तों, बहुत से लोग। विश्व की बात कर रहा हूं तो सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी होगी? नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, नील नदी। और इस नील नदी की बात करी जाए तो 6695 किलोमीटर, यानी 6695 किलोमीटर लंबी ये है नील नदी। नील नदी कहाँ से होती है? नील नदी मिस्र से, मिस्र से। और विक्टोरिया लेक से ये निकलती है। दोस्तों लिखते जाइए जो मैं बताता जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, और नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्टली हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड्स वाइडेस्ट रिवर, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी। क्वेश्चन नंबर हमारा 11, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी। बहुत सारे लोग इसका आंसर भी जानते हैं दोस्तों, अमेजोन नदी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अमेजोन नदी। अमेजोन नदी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों। अमेजोन नदी की बात करें तो लगभग बारिश के सीजन में 40 किलोमीटर तक फैल जाती है, 40 किलोमीटर तक। आप सोच सकते हैं 40 किलोमीटर का एरिया कितना लंबा होता है दोस्तों, बहुत लंबा एरिया होता है 40 किलोमीटर का। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजोन नदी। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट डेजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। बहुत लोग इसका आंसर जानते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका में है सहारा रेगिस्तान। 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है सहारा रेगिस्तान दोस्तों, 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री, विश्व का सबसे बड़ा देश। विश्व का सबसे बड़ा देश दोस्तों रशिया, सबसे बड़ा देश विश्व का रशिया। बहुत से लोग जानते हैं रशिया सबसे बड़ा देश है। रशिया की बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा कनाडा। कनाडा दोस्तों साथ साथ लिखते जाइएगा, दूसरे नंबर पे आता है रशिया के बाद कनाडा। और भारत की बात करें तो इंडिया आता है सातवें नंबर पर, सातवें नंबर पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, विश्व का सबसे छोटा देश। सबसे छोटे देश की बात करें दोस्तों वेटिंगन सिटी, बहुत ही छोटा देश है वेटिंगन सिटी, और 0.2 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर मील में, सिर्फ 0.2 में फैला हुआ है स्क्वायर किलोमीटर में। और सबसे बड़ी कंट्री यानी रशिया की बात करें तो रशिया 7.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। जी हाँ, रशिया कहाँ आती है? रशिया की बात करें अगर, रशिया एशिया और यूरोप दोनों में आती है। उसके बाद था कनाडा, रशिया के बाद कौन सी आती है? कनाडा। तो कनाडा आती है नॉर्थ अमेरिका में। कनाडा के बाद आता है दोस्तों चाइना, लिखते जाइए। कनाडा के बाद आता है चाइना, चाइना आती है एशिया में, इंडिया भी आती है एशिया में। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ वाटर, मतदाता के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा देश। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, यह है इंडिया, 879 मिलियन वोटर्स। सबसे ज्यादा वोटर्स किस देश में है? इंडिया में, 879 मिलियन। बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्तों 879 मिलियन। अगर हम देखा जाए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश, पॉपुलेटेड कंट्री सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों? चाइना। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की, चाइना। और चाइना के बाद बात करें तो इंडिया दूसरे नंबर पर। कौन आता है? इंडिया। दोस्तों हमें पहले के बाद, पहले के साथ साथ दूसरा भी याद करना है, हमेशा जरूरी नहीं है एग्जाम में पहला ही पूछा जाए, वो दूसरा भी पूछ सकता है। और बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ पहला याद करा दूसरा छोड़ दिया, तो दूसरा भी हमें उतना ही याद करना है जितना पहला। इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं आपको दूसरा भी बताता जा रहा हूँ। दोस्तों आपको यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन कुछ के ग्राफिक्स नहीं होते, कुछ फोन से रिकॉर्ड करके बनाए हुए होते हैं, बहुत सारी वजह है जिस कारण आपका भी उनमें पढ़ने में मन नहीं लगता होगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, यहाँ पे कंटेंट्स भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बिल्कुल यूनिक मिलेगा, और ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा दोस्तों। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर। तो दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर दोस्तों टोक्यो। 2019 तक, 2019 के लास्ट तक, मतलब आज तक 2020 अब शुरू हो चुका है और आज 6 जनवरी है दोस्तों, तो टोक्यो आज तक सबसे बड़ा पॉपुलेटेड सिटी, सबसे बड़ा आबादी वाला शहर टोक्यो है दोस्तों। दोस्तों टोक्यो, टोक्यो के बाद बात करें तो दिल्ली भी आता है, टोक्यो के बाद हमारा दिल्ली।
दिल्ली हमारा इंडिया में है, तो टोक्यो के बाद पॉपुलेटेड सिटी में कौन आता है? दिल्ली। जी हाँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? इंडिया का। दोस्तों हमारे देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, याद रखना। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको बनाया है, हम सभी ये जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, यानी दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ या दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है दुनिया का? तो वो है माउंट एवरेस्ट। दोस्तों माउंट एवरेस्ट 8848 किलोमीटर ऊंचा है, ये 8848 मीटर की इसकी हाइट है। और इंडिया की बात करें दोस्तों, ये तो हो गया आपका माउंट एवरेस्ट दुनिया का, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में है कंचनजंगा, कंचनजंगा। दोस्तों याद रखना, कंचनजंगा इंडिया का है और माउंट एवरेस्ट दुनिया का है, सबसे ऊंचा पर्वत या पहाड़। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी आगे और भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं एक आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। वी इन्वाइट यू टू शेयर द लव, हम आपको इन्वाइट करते हैं अपना लव शेयर करने के लिए। YouTube पर हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन कंपटीशन पॉइंट बेल आइकन का जरूर दबाएं। Facebook पर भी हम ऑनलाइन कंपटीशन पॉइंट के नाम से हैं, हमारे पेज को फॉलो करें। Instagram पर भी हैं हम, वहाँ पर भी अपना कंटेंट डालते रहते हैं, लिंक्स वगैरह डालते रहते हैं, आप वहाँ से भी हमारे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दूँ, वीडियो बनाऊँ किसी भी टॉपिक पर जीएस में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी आने वाली वीडियो की है, मैं अगली वीडियो बना भी मैं तैयार कर चुका हूँ दोस्तों, बस ग्राफिक आपके हिसाब से मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिसमें ये सब होगा प्रेजेंट में कौन क्या है। अभी आप जानते हैं रिसेंटली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं जनरल बिपिन रावत, बिल्कुल रिसेंटली बने हैं, तो ये बिल्कुल अपडेटेड वीडियो मैंने बनाई है दोस्तों, तैयार रहना आप। मैं इसकी जानकारी होते ही आपको, आप बेल आइकन दबाएंगे तुरंत आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड्स वाइडेस्ट वाटरफॉल, दुनिया का सबसे चौड़ा झरना, दुनिया का सबसे चौड़ा झरना। दोस्तों दुनिया का सबसे चौड़ा झरना विक्टोरिया फॉल्स, 1.7 किलोमीटर चौड़ा, यानी सबसे चौड़ा जो वाटरफॉल हुआ, ऑप्शन सी बी विक्टोरिया फॉल। और अगर इसी बात करिए कहाँ है, तो यह है साउथर्न अफ्रीका में, 1.7 किलोमीटर चौड़ा है ये, दुनिया का सबसे चौड़ा झरना है, 1.7 किलोमीटर चौड़ा है साउथर्न अफ्रीका में। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड्स, और मैंने इस वीडियो में आपके लिए ग्राफिक्स भी डिज़ाइन किए हैं, बहुत पिक्चर्स विद पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा आपको मज़ा आने वाला है। हमारी नेक्स्ट वीडियो भी बहुत अच्छी होगी, सपोर्ट करें, लाइक करें। वर्ल्ड्स, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपने देखा वर्ल्ड्स वाइडेस्ट वाटरफॉल, दुनिया का सबसे चौड़ा झरना कौन सा था? विक्टोरिया फॉल्स, जो कहाँ है? साउथर्न अफ्रीका में। इस बात आती है 21, वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉटरफॉल, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना, सबसे ऊंचा झरना एंजल फॉल्स, जो कहाँ है? वेनेजुएला में। एंजल फॉल दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है, वेनेजुएला में है। 3230 फीट की हाइट है इसकी, 230 फीट की हाइट है दोस्तों, याद रखना 3230 फीट की हाइट है इसकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नजरअंदाज करना बहुत गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, मतलब दुनिया में सबसे ऊंचा जो ऊंचाई पर बनाया गया है, तो वो है तांगुल्ला, चाइना में, चाइना में बना हुआ है तांगुल्ला, ये उसकी पिक्चर है दोस्तों, तांगुल्ला आप याद रख सकते हैं, तांगुल्ला दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बनाया गया रेलवे स्टेशन है, 5068 मीटर समुद्री तट से ये ऊंचा है दोस्तों, समुद्री थल से, समुद्र का जो बेस होता है उससे, सी लेवल से 5068 मीटर ऊंचा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तांगुल्ला चाइना में। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, अगर बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की संख्या में, जिसमें सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म हो, तो दोस्तों उस रेलवे स्टेशन का नाम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क, 44 प्लेटफॉर्म है दोस्तों इस रेलवे स्टेशन पे, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क सिटी में। यह था सबसे ऊंचाई पे बनाया गया रेलवे स्टेशन, यह है सबसे बड़ा किसकी टर्म्स में? नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, जिसमें सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म हो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। और अब बात आती है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मीटर में, मतलब एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों? वो है गोरखपुर अपने यूपी में, यानी अपने भारत का सबसे बड़ा है,
विश्व में सबसे बड़ा, 1360 मीटर लंबा है ये गोरखपुर का रेलवे स्टेशन दोस्तों, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इसकी फोटो है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना वर्ल्ड्स बिगेस्ट डैम, दुनिया का सबसे बड़ा बांध। तो दुनिया का सबसे बड़ा बांध, दुनिया का सबसे बड़ा बांध दोस्तों थ्री गोर्जेस डैम चाइना में है दोस्तों, याद रखना 2.3 किलोमीटर लॉन्ग इन ह्यूबेई प्रोविंस, प्रोविंस मतलब प्रांत, प्रांत में है चाइना के। थ्री गोर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा बांध, दुनिया का बात हो रही है यहाँ पे दुनिया की। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट और टालेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध वो था सबसे बड़ा बांध और सबसे ऊंचा, जो ऊंचाई पर है 305 मीटर ऊंचा बांध है, इसका नाम है जिनपिंग आई डैम चाइना में है, जिनपिंग आई डैम चाइना में। ये इसकी फोटो फोटो थी दोस्तों, ये इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी और इसकी ये है, ये है दोस्तों सबसे ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, 305 मीटर टॉल एकदम खड़ा बांध है, याद रखना दोस्तों। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को बार बार पॉज करके देखिएगा और हमारी आने वाली वीडियो के लिए तैयार रहेगा, मैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी, और जितने क्वेश्चन आपने इस वीडियो में स्वयं को आपको पता थे वो मुझे बताएं कि कितने आपको पसंद आए। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा दोस्तों।